हेलो गाइस, बस सब कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान रफीक सिंधु। गाइस मैं आज आया एक और न्यू ब्लॉग के साथ। सो गाइस, आज इस ब्लॉग में मैं आपको अपनी टी शर्ट के कलेक्शन दिखाऊंगा और गाइस अपने कुछ भाइयों के लिए टी शर्ट हैक्स भी दूंगा। और गाइस मेरे कुछ भाई होते हैं जो पतले होते हैं और कुछ मोटे होते हैं, उनको ज़रा टी शर्ट अच्छी नहीं लगती। किसी की तोन बाहर निकली होती है तो उनको टी शर्ट अच्छी नहीं लगती। कुछ कुछ के यहाँ से ऐसे बाजू बहुत पतले होते हैं, उनको टी शर्ट अच्छी नहीं लगती। तो गाइस उनके लिए गाइस मैं आज कुछ हैक दूंगा और गाइस साथ में गाइस मैं अपने टी शर्ट की कलेक्शन भी दिखाऊंगा। और गाइस चलिए और देखते हैं मेरी टी शर्ट की कलेक्शन। गाइस जहाँ पर गाइस मुझे कुछ दिखेगा तो गाइस मैं आपको उसका हैक भी दूंगा। और गाइस चलिए और देखते हैं। तो गाइस आज की पहली टी शर्ट है मेरे सिंपल भाइयों के लिए, जो काफ़ी सिंपल हैं और बड़ी सिंपल टाइप की टी शर्ट पहनते हैं। सो गाइस ये टी शर्ट है, वैसे आप देख सकते हैं गाइस ये बिल्कुल प्लेन ब्लैक टी शर्ट है। और गाइस ये सबके लिए, कोई पतला मोटा काला गोरा हर बंदे के लिए गाइस ये टी शर्ट है। और ये हर किसी पे सूट करेगी, हर किसी को अच्छी लगेगी। तो गाइस ये गाइस इस टाइप की गाइस आप टी शर्ट लें और गाइस इसमें कोई मस्ता नहीं होगा गाइस आपको, क्योंकि गाइस ये कलर ही ऐसा है और गाइस ये है भी कॉलर वाली। तो गाइस इस वजह से गाइस ये सब पे सूट करेगी। तो गाइस ये है गाइस आज की फर्स्ट टी शर्ट। सो गाइज आज की सेकंड टी शर्ट गाइज मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज ये आज की सेकंड टी शर्ट है। गाइज इस पर गुच्ची लिखा हुआ है लेकिन ये गाइज ओरिजिनल टी शर्ट नहीं है, क्योंकि गाइज एक बात है गाइज, ये बात है कि ये जो टी शर्ट है ना ये ब्रांडेड इस वजह से नहीं है गाइज। जो ब्रांडेड टी शर्ट होती है ना गाइज वो आपकी बॉडी पर गाइज सूट नहीं करती, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो गाइज ब्रांडेड टी शर्ट पर गाइज आप पैसे खर्च ना करें, टी शर्ट आप लोकल लें, टी शर्ट वो लें जो आपकी बॉडी को सूट करती है। बेशक वो महंगी हो, सस्ती हो, वो कोई भी टी शर्ट हो, लेकिन अगर वो सस्ती टी शर्ट आपकी बॉडी को सूट करे तो गाइस वो टी शर्ट सबसे बेहतर है गाइस मेरी नज़रों में। तो गाइस ये भी गाइस एक ऐसी टी शर्ट ही है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस पर गुच्ची लिखा हुआ है और ये राउंड ये वी नेक पे है गाइस आप देख सकते हैं। और गाइस पीछे गाइस कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल टी शर्ट है। और इसके बारे में गाइस ये गाइस अगर आपके पास ऐसी नेवी ब्लू टी शर्ट नहीं है गाइस, नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट और जीन्स गाइस आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो गाइस आपकी वार्डरोब अधूरी है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये हर जीन्स के साथ गाइस सूट करेगी, हर पैंट के साथ सूट करेगी और आप इसको कहीं भी पहन के जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, कहीं पे भी शादी में पहन के जा सकते हैं, जहाँ मर्जी गाइस आप इसको पहन के जा सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस ये काफ़ी अलग टी शर्ट है और काफ़ी ज़्यादा गाइस डिफरेंट है। सो गाइज आज की तीसरी टी शर्ट है ये गाइज, ये भी गाइज सिंपल है गाइज, काफ़ी कोई नहीं गाइज इस पर ज़्यादा बड़ी बात। गाइज ये प्लेन टी शर्ट है गाइज, इस पर गाइज थोड़ा बहुत प्रिंटिंग हुई है, पीछे कुछ भी नहीं है आप देख सकते हैं। गाइज ये जो टी शर्ट है ना इसके थोड़े से बाजू बड़े हैं। तो गाइज इस पर गाइज मैं एक हैक दूंगा। इस पर ये हैक है कि कुछ लोग होते हैं कि जिनके बाजू पतले होते हैं ज़्यादा, उनको टी शर्ट ठीक नहीं लगती। तो गाइज वो क्या करें, या फिर वो टाइट बाजू वाली टी शर्ट लें, या फिर वो क्या करें इसके जो बाजू है ना उनको फोल्ड करें इस तरह के गाइस, ऐसे गाइस इसके बाजू को ऐसे करके फोल्ड कर लिया जाए। तो गाइस इस तरह भी कर सकते हैं गाइस, जिन ये गाइस एक हैक है और गाइस एक काफ़ी अच्छा हैक है गाइस, मैंने भी काफ़ी बार ट्राई किया है। और गाइस जिन लोगों के बाजू पतले हैं गाइस वो हैक को ज़रूर ट्राई करें, उनकी टी शर्ट पहनने में गाइस काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। और गाइस ये बहुत बड़ा हैक है। तो गाइज आज की फोर्थ टी शर्ट है गाइज, ये आप देख सकते हैं गाइज ये वाइट टी शर्ट है गाइज, ये भी गाइज हर बंदे पे सूट कर सकती है गाइज, हर किसी का हर किस्म का बंदा होगा उस पर सूट करेगी गाइज आप देख सकते हैं गाइज, सिंपल शर्ट है गाइज। ये जितनी भी शर्ट्स हैं गाइज मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये सब ब्रांडेड टी शर्ट है गाइज, अगर मैं एक सजेशन दूंगा गाइज आपको गाइज टी शर्ट पर ज़्यादा पैसे गाइज आप खर्च ना करें, क्योंकि गाइज जितने ज़्यादा खर्च करेंगे उतनी बुरी गाइज आपको फिटिंग मिलेगी, जहाँ तक मेरी सोच है। टी शर्ट के मामले में तो गाइज मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा पैसे ना लगाएं, आप ब्रांडेड टी शर्ट ना लें, आप लें वो टी शर्ट जो आपको सूट करिए, बेशक वो ब्रांडेड हो, बेशक वो 200 रुपये की हो, बेशक वो 100 रुपये की हो, वो कितने पैसों की हो गाइज आपको टी शर्ट लेनी चाहिए जो आपको सूट करें। तो
तो गाइज ये भी गाइज एक ऐसी टी शर्ट है गाइज, ये इस पर कैट लिखा हुआ है। तो गाइज ये भी गाइज ब्रांडेड टी शर्ट नहीं है, ये भी नॉर्मल टी शर्ट है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये भी हर टाइप के बंदे पे सूट करेगी। सो गाइज आज की फिफ्थ टी शर्ट है ये वाली, ये आप देख सकते हैं गाइज, ये रेड टी शर्ट है जैसे कि आपको नजर आ भी रही है। तो गाइज इस पर भी कैट लिखा हुआ है गाइज, ये भी गाइज हर टाइप के बंदे पे सूट कर देगी। अब गाइज कुछ लोग होते हैं कि जो शर्ट की फिटिंग नहीं पहले देखते, आप पहले शर्ट की फिटिंग देखें और लें। शर्ट की फिटिंग गाइज मैं गाइज आपको आखिर में बताऊंगा कि आपकी टी शर्ट की फिटिंग कैसी होनी चाहिए, वो गाइज मैं आखिर में बताऊंगा। गाइज अभी मैं आपको टी शर्ट सिखाऊंगा कुछ। तो गाइज ये भी टी शर्ट है गाइज, एक ये देख सकते हैं गाइज पीछे कुछ का बिल्कुल सिंपल टी शर्ट है गाइज। इस टाइप की टी शर्ट आप पहने गाइज सूट भी करेगी आपको। और गाइज अपने फिटिंग के हिसाब से लें, जो फिटिंग गाइज मैं आपको आखिर में वीडियो के बताऊंगा वो फिटिंग पे आप शर्ट लें गाइज, 100% गाइज आपको सूट करेगी। गाइज आज की फिफ्थ टी शर्ट है गाइज, यही है गाइज, यही वो बंदा है जो हमेशा तंग करता है मुझे। अच्छा भाई सिक्स ठीक खुश अच्छा, ठीक है खुश अच्छा। तो गाइज आज की सिक्स्थ टी शर्ट है ये वाली। तो गाइज ये गाइज काफी डिफरेंट टी शर्ट है गाइज, शायद आपको कैमरे में दिख ना रहा हो लेकिन गाइज ये टी शर्ट ऐसे है, यहाँ से गाइज ये ऐसे नीचे लंबी आ रही है, मतलब कि ये टी शर्ट ऐसे ऐसे इसका जो नीचे है ना गाइज ये काफी डिफरेंट है गाइज, आप देख सकते हैं मतलब कि ये हिस्सा ऐसे आ रहा है जो है ना, आप देखिए गाइज ये काफी डिफरेंट टी शर्ट है गाइज। वैसे कलर भी गाइज बहुत यूनिक और अलग कलर है गाइज, ये भी गाइज इस टाइप की टी शर्ट गाइज हर बंदे पे सूट करेगी गाइज, आप देख सकते हैं कलर गाइज काफ़ी प्यारा है। और गाइज देख सकते हैं ज़्यादा वो ऑकवर्ड भी नहीं लग रही, ज़्यादा जो होती है जिसको हम कहते हैं पेंडू टाइप गाइज, उस टाइप की टी शर्ट भी नहीं लग रही गाइज, आप देख सकते हैं ये देखिए गाइज गाइज। तो ये गाइज ये टी शर्ट काफ़ी मेरे हद तक मेरी नज़रों में काफ़ी हद तक बेहतर टी शर्ट है गाइज, तो गाइज आप देख सकते हैं। सो गाइज आज की सेवन टी शर्ट है ये वाली गाइज, आप देख सकते हैं गाइज ये भी टी शर्ट काफ़ी यूनिक है गाइज, इसके ऊपर जो रेस का पैटर्न लिखा हुआ है गाइज गाइज ये बहुत ही गाइज यूनिक है गाइज, ये काफ़ी अलग टाइप की शर्ट है गाइज। अगर गाइज आप टी शर्ट्स पहनते हो तो गाइज इस टाइप की, और गाइज ब्लू टी शर्ट तो गाइज आपके वार्डरोब में तो होनी चाहिए, ये तो गारंटी है, ब्लू टी शर्ट और जीन्स गाइज आपके वार्डरोब में होनी चाहिए गाइज, आप देख सकते हैं गाइज काफ़ी यूनिक पैटर्न है गाइज का। गाइज इधर इसके फाइव लिखा है, आप देख सकते हैं इधर इसके फाइव लिखा है, और जो लेस का पैटर्न है गाइज ये तो गाइज बहुत ही यूनिक है। तो गाइज ये आज की सेवन्थ यूनिक टी शर्ट है गाइज, आप देख सकते हैं दिखने में भी गाइज अच्छी लग रही होगी गाइज आपको। सो गाइज आज की एट्थ टी शर्ट गाइज मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये है देख सकते हैं गाइज, ये भी गाइज काफ़ी सिंपल टी शर्ट है गाइज, इस पर गाइज कैट लिखा हुआ है और गाइज पीछे से गाइज काफ़ी सिंपल है गाइज, ये देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छी टी शर्ट है मेरी नज़रों में, काफ़ी यूनिक कलर है ग्रे कलर गाइज, इस टाइप का कलर भी गाइज आप लें, और गाइज ये काफ़ी यूनिक होता है, मतलब कि ये रेड वगैरह ये सब पहनते रहते हैं। तो गाइज ये जो कलर है ना गाइज ये पहनते हैं लोग लेकिन गाइज ये कम है, ज़्यादा नहीं पहनते, ब्लैक बहुत पहना जा रहे हैं, ये सारे कलर बहुत पहने जा रहे हैं गाइज, ये जो कलर है गाइज ये बहुत डिफरेंट है गाइज, ये कम लोग पहनते हैं। तो गाइज आप पहन सकते हैं गाइज, और गाइज सब में से गाइज आप डिफरेंट दिख सकते हैं ये टी शर्ट ये कलर पहन के। गाइज आज की नाइन्थ टी शर्ट है गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ गाइज ये टी शर्ट है गाइज, गाइज ये टी शर्ट तो गाइज हर जगह पहन सकते हैं गाइज, आप हर जगह शादी में पहन सकते हैं, अपने कॉलेज में पहन के जाते हैं, यूनिवर्सिटी में स्कूल में हर टाइप इसको पहन के आप वीडियो शूट करें हर काम गाइज, जितनी भी टी शर्ट दिखा रहा हूँ गाइज इसको पहन के गाइज आप शादी में जाएँ, आप कुछ भी करें, कॉलेज पहन के जा सकते हैं, शादी में पहन के जा सकते हैं, हर जगह गाइज जितनी भी गाइज अभी तक मैं टी शर्ट दिखा रहा हूँ गाइज आपको सारी गाइज, ये भी गाइज काफ़ी यूनिक टी शर्ट है, और गाइज ये भी गाइज आपको बहुत ज़्यादा गुड बॉय वाला फीलिंग देगी गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप इसके बटन बंद रखते हैं तो फिर ये आपको गुड बॉय वाला
लुक देगी आपको, और बटन खोलते हैं तो थोड़ा सा जैसे कि होता है आपका थोड़ा डिफरेंट स्टाइल बन जाता है। और गाइज ये भी गाइज काफ़ी यूनिक शर्ट है, आप देख सकते हैं ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। तो गाइज पीछे से सिंपल है और इधर गाइज का बना हुआ गाइज बिल्कुल प्लेन टी शर्ट है। गाइज ये भी गाइज टी शर्ट आपके पास होनी चाहिए इस टाइप की, और गाइज ये काफ़ी अच्छी टी शर्ट है। तो गाइस आज की 10th टी शर्ट गाइस ये वाली दो यार नहीं दूंगा कट 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 गाइस बड़ी मुश्किल से बनाया गाइस आप शर्ट दे रहे हैं। ये गाइस ये 10th टी शर्ट है गाइस आज की, आप देख सकते हैं गाइस ये बहुत यूनिक पैटर्न है गाइस। यहाँ पे जो फैब्रिक लगा है गाइस, इसका फैब्रिक का गाइस मुझे नाम नहीं पता, लेकिन गाइस ये बहुत बहुत कूल और बहुत यूनिक लग रहा है गाइज। ये जो पॉकेट है गाइज, पॉकेट का पैटर्न गाइज बहुत प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं ये सेम पैटर्न गाइज पीछे बना हुआ है। तो गाइज ये काफ़ी यूनिक टी शर्ट है, आप देख सकते हैं ये जो इसके फैब्रिक लगा हुआ है गाइज, मुझे इसका नाम नहीं मालूम, लेकिन गाइज ये फैब्रिक बहुत ही ऑसम लग रहा है। और गाइज आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक शर्ट लग रही है गाइज। ये भी गाइज आप स्कूल पहन के जाएँ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शादी में पहन के जा सकते हैं, हर जगह गाइज आप ये टी शर्ट पहन सकते हैं। और गाइज यू डेफिनेटली चेकआउट दिस टी शर्ट। गाइज आपने टी शर्ट्स देख ली गाइज, आई होप गाइज कि आपको टी शर्ट्स पसंद आई होंगी। और गाइज अब गाइज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस टाइप की टी शर्ट की फिटिंग होनी चाहिए गाइज आपकी। गाइज आपके जो आर्म्स है ना, आर्म्स से गाइज आपकी टी शर्ट टाइट होनी चाहिए, तभी गाइज आपको टी शर्ट सूट करेगी, अदरवाइज आपको ये टी शर्ट सूट नहीं करेगी। किसी भी टाइप की टी शर्ट गाइज आपको नहीं सूट करेगी। तो गाइज आर्म्स से गाइज आपकी टी शर्ट टाइट होनी चाहिए। अब जाके आप बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दें और अपने आर्म्स फिट करें गाइस, इसमें टाइम लग जाएगा और आपकी शर्टें गाइस तब तक बेकार पड़ रहेंगी। और गाइस आप कोशिश करें कि आपकी टी शर्ट्स के आर्म टाइट हो, और गाइस चेस्ट से गाइस आपकी टी शर्ट टाइट हो, टाइट चेस्ट और शोल्डर्स से गाइस आपकी टी शर्ट टाइट होनी चाहिए। और गाइस जो पेट का हिस्सा है ना गाइस, यहाँ से गाइस बेशक यहाँ से टाइट आती है शायद यहाँ से थोड़ी खुली भी हो जाए तो गाइस खैर है, यहाँ से थोड़ी लूज हो, इन हिस्सों से टाइट हो, और गाइस यहाँ से भी टाइट होनी चाहिए, पेट से बेशक थोड़ी लूज हो, और गाइस आपको इस टाइप की टी शर्ट भी ठीक लगेगी। गाइस लेंथ इतनी होनी चाहिए गाइस आपकी टी शर्ट की, जहाँ पे आप बेल्ट पहनते हैं बेल्ट के लास्ट तक गाइस आपकी टी शर्ट होनी चाहिए। सो गाइस यही था गाइस टी शर्ट का। और गाइस हैक्स गाइस मैंने आपको बताए हैं अभी कुछ, जो एक दो बताए हैं वीडियो के अंदर, तो गाइस वो भी गाइस आपको पसंद आए होंगे। होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस मैंने गाइस काफ़ी मेहनत करके गाइस ये वीडियो बनाई है, और काफ़ी ज़्यादा गाइस मुझे इसके लिए करना पड़ा गाइस। गाइस अब गाइस मैं आपको दो बंदों से मिलाऊंगा गाइस, जिन्होंने गाइस मुझे व्लॉग में तंग किया आज, और आपको मैं पहले भी मिला चुका हूँ उनसे, और आज दोबारा मिलाऊँगा। आज गाइस ये बंदा है, ये जो बंदा है ना, इस बंदे ने मुझे कहा है कि 5th नहीं 6th टी शर्ट इसने कहा है गाइस मुझे, ये इसने आज कैमरा संभाला सारा। ये बंदा ये मुझे शर्ट नहीं दे रहा था, पता नहीं क्या दुश्मनी है इसकी मुझसे, ये बंदा मुझे शर्ट नहीं दे रहा था, और बहुत शर्मीला लड़का है गाइस, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शर्मा रहा है कैमरे के आगे। नहीं गाइस ये गाइस मेरे टीम मेम्बर्स हैं, और गाइस आजकल इनके स्कूल वगैरह कोविड की वजह से बंद है, तो गाइस इस वजह से गाइस ये मेरी मदद कर रहे हैं गाइस इस वजह से। तो गाइस जब इनके स्कूल खुल गए तो गाइस इन्होंने किधर मुझे मुंह लगाना है। तो गाइस जो है ना ये दो बंदे, और अब ये बताएंगे कि चैनल को और वीडियो को आपने क्या क्या करना है। तुम बताओ चैनल को क्या करना है। लाइक सब्सक्राइब और रेकमेंड और शेयर और आखिर तक देखिएगा। हाँ, और तुम बताओ चैनल को आपने ऐसे करके सब्सक्राइब करना और लाइक भी ऐसे करके, सब कुछ ऐसे करके आपने लाइक करना है। अच्छा ठीक हो गया, आपने करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और खुदा हाफिज़।